सब्सक्राइब कीजिए फिल्मी बीट, दबाए बेल आइकन और पाएं एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरें सबसे पहले। मैं हूं आयुष्मा और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। आईफा अवार्ड्स में सैफ अली खान, करण जौहर और वरुण धवन के नेपोटिज्म रॉक्स वाले बयान ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। यूं तो ये बहस लंबे समय से इंडस्ट्री में चली आ रही है, लेकिन कंगना द्वारा इस विषय पर खुलकर रखे गए विचारों और इंडस्ट्री के कई लोगों के इसके समर्थन और विरोध में आने पर खासी बहस शुरू हो गई है। अब इस विवाद पर करीना कपूर ने पहली बार अपना पक्ष रखा है। जी हाँ, करीना कपूर का कहना है कि नेपोटिज्म हर प्रोफेशन में मौजूद है, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी है टैलेंट। करीना ने कहा कि इंडस्ट्री में आलिया भट्ट हैं तो कंगना रनौत भी हैं। आपको बता दें कि करीना कपूर के पति सैफ अली खान ने आईफा में नेपोटिज्म रॉक्स वाले बयान के बाद कंगना रनौत से माफी मांगी थी और इस विषय पर ओपन लेटर भी लिखा था। बॉलीवुड के सबसे प्रसिद्ध परिवार कपूर खानदान की बेटी करीना कपूर ने फिल्म फेयर मैगजीन को दिए अपने इंटरव्यू में बॉलीवुड में नेपोटिज्म पर बात करते हुए कहा, इस विषय पर बहुत कुछ कहा जा चुका है, क्या नेपोटिज्म हर संभव जगह मौजूद नहीं है, लेकिन कोई इसके बारे में बात नहीं करता। बिजनेस परिवारों में बेटे बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, राजनीति परिवारों में बेटे उनकी जगह लेते हैं। इस सब को परिवारवाद की श्रेणी में नहीं रखा जाता, बल्कि इसे अच्छा माना जाता है। करीना ने अपने बयान में आगे कहा कि साथ ही कई स्टार किड्स उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाए जिस पर उनके माता पिता पहुंचे, इसलिए मुझे समझ नहीं आता कि लोग इसके बारे में इतनी बहस क्यों कर रहे हैं। असल में ये इंडस्ट्री एक कठोर जगह है, यहाँ सिर्फ टैलेंट ही काम आता है और हुनरमंद ही यहाँ पर टिक पाते हैं, वरना यहाँ कई स्टार किड्स नंबर वन की पोजीशन पर होते। करीना ने कहा कि अगर यहाँ रणबीर कपूर है तो यहाँ रणवीर सिंह भी है, जो किसी बॉलीवुड परिवार से वास्ता नहीं रखता, इसलिए मुझे लगता है कि परिवारवाद की बहस बेमानी है। करीना ने कहा कि किसी भी अन्य इंडस्ट्री की तुलना में यहाँ आपकी मेहनत सबसे ज्यादा मायने रखती है और यही कारण है कि कंगना रनौत को एक बेहतरीन एक्ट्रेस माना जाता है जो इंडस्ट्री से नहीं है। अगर यहाँ आलिया भट्ट है तो यहाँ कंगना रनौत भी है। आपको बता दें कि फिल्म वीरे दी वेडिंग से करीना कपूर जल्द ही फिल्मों में कमबैक करने जा रही हैं। इस फिल्म में सोनम और करीना के अलावा स्वरा भास्कर, शिखा तलसानिया और परमानेंट रूममेट वेब सीरीज से हिट हुए सुमित व्यास भी नजर आने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टेलीविजन और बॉलीवुड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।